तो कभी भी मैं देखता रहता हूँ आरोना से हमें एक चीज़ सबक सीखने के लिए मिलता है, मुझे भी पर्सनली सीखता हूँ। कभी भी इसके चलते जाओ लाइफ है, हमेशा घूमती रहती है, फिरती रहती है, एक जगह टिकती नहीं है। तो इसके हम भी सबक ले सकते हैं कि हमारी लाइफ में हम कितनी भी तकलीफ़ आए, कितनी भी परेशानी, हमको जब चलते रहना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, तो आज अपडेट दे रहा हूँ आरोना के ऊपर और फाइव फिट टैंक के ऊपर। काफ़ी दिनों से आरोना का अपडेट नहीं दिया, हमारे सब्सक्राइबर ऐसे लॉयल हैं और इतने हमारे चैनल को अटैच हैं। थोड़े दिन अगर अपडेट डिले हो जाता तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आपका फ्लोवान का अपडेट दो, आपके आरोना का क्या वो अपडेट दो। ऐसा लगता है कि वो हमारी फैमिली मेम्बर है, वो भी हमारे साथ रहते हैं जो अपडेट मांगते रहते हैं। तो काफ़ी खुशी लगती है इस सब चीज़ों को देखते हुए। थैंक यू फॉर योर एंगेजमेंट और थैंक फॉर योर रिक्वेस्ट एंड ऑल। सो आज अपडेट देने वाले हैं पैरट फिश और आरोना के बारे में। जैसा आपने सबने देखा होगा, 5 फीट की टैंक है हमारी, 1.5 फीट की चौड़ाई है, 12 mm ग्लास में हमने ये बनवाया था। और आरोना हमने लाया था दो ढाई साल ढाई सा... साल कुछ हो रहे हैं, मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं रहता तो आगे पीछे बोल देता हूँ, 2.5 या 3 साल हो चुका है। ये 1800 रुपये की लेके आया था मैं, आज ये तकरीबन 20-20+ इंच हो चुकी है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और बहुत सारे लोग बहुत ही एक रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आपके आरोना के अपडेट दो। देखें मेरे पास यहाँ पर पैरट फिश भी है, पैरट, ऑस्कर, वेजा सिटलेट्स और थोड़े फिशेस थे जो मैंने 5 फीट टैंक अपडेट बनाया था उस टाइम पे लाकर डाला था। ये भी 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे पास लाकर। मैंने वेजा सिटलेट्स और ऑस्कर निकाल दिया था क्योंकि ये पैरट फिश को अटैक कर रहे थे। पैरट फिश टोटल 4 हैं और साथ में ये भी आपको स्टोरी पता है, यहाँ पर एक कन्विक्स सेटलेट्स और छोटी पैरट है। जैसा कि आप सबको कहा, कन्विक्स सेटलेट्स मैंने पैरट फिश फ्लोवान के साथ ब्रीड करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। इसने उल्टा पैरट पर बहुत हमला, ऑस्कर पर बहुत हमला किया था, जिसके से मैं निकाल दिया। अभी उसकी ग्रूमिंग के लिए पैरट की और उसकी ब्रीड के लिए छोटी मैंने एक येलो कलर की पैरेट फिश लाकर डाली है ताकि उसके साथ ग्रूमिंग कर सके, ताकि कम नहीं दे सके, क्योंकि पूरे के पूरे बड़े फिशेस रहेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए मैंने लाकर डाला है। और क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है ऑस्कर, ये आरोना काफ़ी बड़ी, हमें भी देखकर प्राउड मोमेंट होता है कि तकरीबन 3 साल से आरोना हमारे साथ है और बड़ी हो रही है। और ये मैंने के पूरा का पूरा इनको पैलेट्स पर रखा है, ना ही मैं इनको चिकन देता हूँ, कभी कभी दे देता हूँ लेकिन रेगुलर नहीं है, और कभी कभी जो है ड्राई स्टीम दे देता हूँ, बस यही है। वरना मैं रेगुलर इनको फ़िशेस या वगैरह, बहुत सारे लोग लाइव फ़िशेस देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। लाइव फ़िशेस में अपने कभी फ़िशेस को देता नहीं हूँ। और पैरट फिश अब तक 3 से 4 बार ब्रीड कर चुके हैं। आप सबको पता है पैरट फिश तो ब्रीड कर लेती है, अंडे ले कर लेती है, लेकिन उसके मेल जो है इनफर्टिलाइज होता है, जिसकी वजह से वो अंडे हैच नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये देखो ब्रीड अभी भी कर रही है, मेटिंग कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। इनके साथ अगर ब्रीड करना है तो वेजा सेटलेट्स को करना पड़ेगा, या फ्लोवान के साथ करना पड़ेगा, या टेक्सास या कन्विक सेटलेट्स, इस तरह के जो दूसरे मेल्स हैं उसके साथ फीमेल पैरट के साथ मिलाकर करेंगे, तभी ये सक्सेस हो पाएगा, वरना ये ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। और पानी काफ़ी अच्छा क्लीन कर रही है अभी, हम मेरे सामने जो कि सम रनिंग है, सम क्लीन करता है, पानी ऊपर से पुश कर रहा है, पानी क्लीन जाते जाते यहाँ पर ओवर फ्लो बॉक्स से नीचे जा रहा है, पानी अच्छे से क्लीन कर रहा है। और ये सबको मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ पर 2 टैप्स के फिल्ट्रेशन सिस्टम है हमारे टैंक के अंदर, एक सम फिल्टर है, एक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्यों डाला हुआ है, स्पॉन्ज से क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है और ये साउंड बहुत करता है, ये जो हम फिल्टर रन करते हैं सम फिल्टर का, साउंड बहुत करता है। और हम लोग घर में सोते हैं, ये टैंक के बाजू में ही हम लोग यहाँ पर सब सोते हैं, तो रूम पे तो थोड़ी जगह होती है इसलिए हम यहाँ पर सोते हैं, तो रात में अगर ये रन नहीं होता है तो नींद नहीं आती, बहुत साउंड डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रात में सम को बंद कर देते हैं और ये 2 चालू रखते हैं। तो ये नाइट के लिए फिल्टर सिस्टम है, ये ऑक्सीजन सप्लाई भी होता है, थोड़ा बहुत नीचे गंदगी होती है उसको भी सब कर लेता है, और ये जो है सम फिल्टर दिन पूरा चालू रहता है। तो इस तरह के हमने पूरा डिज़ाइन किया, हमारे पूरे घर के एक्वेरियम सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि दिन में अलग फिल्टर सिस्टम है हमारा, नाइट में अलग है, नाइट में ताकि कोल्ड साइलेंट रहे, ताकि हम लोग भी साइलेंट से नींद कर सके, इसलिए हमने साइलेंट रखा हुआ है। दिन में साउंड बहुत चलता रहता है, अभी देख सकते हैं यहाँ पर 6 बज रहे हैं, साउंड यहाँ पर से आ रहा है, बाजू में आ रहा है, फिल्टर का आ रहा है, ये फिल्टर तो अभी बंद कर दिया मैंने वीडियो के लिए, वरना उसका भी साउंड बहुत आता है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगा आरोना, तो देखिए आरोना कितनी बड़ी हो चुकी है, तकरीबन 20+ इंच हो चुकी है, काफ़ी हेल्थी है। और हम लेके आए थे जब ये थी तकरीबन 6 से 8 इंचेस की, हालांकि टैंक बहुत छोटी हो रही है, मुझे उसका बहुत फिक्र है, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कुछ करना है लेकिन उसका टाइम एग्जैक्ट जुड़ के नहीं आ रहा है,
चौड़ाई इसके कम पड़ रही है, 1.5 फीट की है चौड़ाई, एटलीस्ट को 2 फीट चाहिए। तो ऊपर मैं रूम बनने का सोच रहा हूँ, जैसा आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था ऊपर, मेरा फिश पॉन्ड जो है तोड़कर मैं रूम बनाने वाला हूँ। अगर रूम बन जाएगी तो उसके लिए अलग से एक पॉन्ड या टैंक बनाऊंगा जो इसके लिए होगा, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता एक ही बार, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। और ये मैं फ़िशेस को देना भी नहीं चाहता, और मैंने ऑलरेडी एक बात किया था एक डीलर से कि ये मैं आपको देखकर इसके बदले मुझे कोई एशियन अरोना दे दो, उसने हाँ कहा था लेकिन अभी तक उसका कुछ आंसर भी नहीं आया, मैंने भी उसको कॉल नहीं किया, उसने भी मुझे कॉल नहीं किया, तो इस तरह थोड़ा डिले हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बड़ी टैंक इसके लिए बनाऊँ या इसके बदले में एशियन अरोना लेके आऊँ। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था कि भाई इसको मैं देकर एशियन अरोना लाने वाला हूँ, तो बहुत सारे लोग ने कहा था कि आपके पास 3 साल से है, आपने अच्छे से इसको पाला है रखा है, अब इसको मत रखो, इसको मत दो, अपने पास ही रखो। तो इसलिए मैंने अपने पास रख दिया है। और देखिए यहाँ पर पानी कितना क्लीन रहता है, तकरीबन 1 हफ्ते ज़्यादा हो चुके हैं हमने इसको पानी क्लीन किए हुए। इसका सबूत ये है कि मैं यहाँ पर दिखाऊंगा इसकी गंदगी वगैरह फंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पोटी वगैरह, अगर रिसेंटली क्लीन की होती तो ये सब नहीं फंस पाती, ये धीरे धीरे निकल जाएगा, पानी जैसे फ़्लो होता रहता है ना, तो उसके साथ गंदगी देखिए यहाँ पर लेके जा रहा है। यहाँ पर मैं दिखा पा रहा हूँ नहीं पता नहीं, देखिए यहाँ पर ये फ्लोट होते 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 ऊपर फ्लो बॉक्स पे चला जाता है। और आरोना देखिए, आरोना से मुझे एक सीख सबक मिलती है, जैसा मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो शेयर किया था 4-5 महीने पहले, अपनी CCTV कैमरा जहाँ पर मैं पूरे टैंक को मॉनिटर करता हूँ। घर पे कोई नहीं रहता तभी हम टैंक को देखते रहते हैं, कभी कभी पानी कम हो जाता है या ऑक्सीजन सप्लाई बंद होता है, जिसकी वजह से मैंने घर के अंदर CCTV कैमरा लगा दिया, जिसकी वजह से हम पूरा देख सकते हैं। तो कभी भी मैं देखता रहता हूँ, आरोना से हमें एक चीज़ सबक सीखने के लिए मिलता है, मुझे भी पर्सनली सीखता हूँ कि कभी भी चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, कभी भी थोड़े टाइम के लिए रुकती है लेकिन कभी भी इसके चलते जाओ लाइफ है, हमेशा घूमती रहती है, फिरती रहती है, एक जगह टिकती नहीं है। तो इसके हम भी सबक ले सकते हैं कि हमारी लाइफ में हम कितनी भी तकलीफ़ आए, कितनी भी परेशानी, हमको जब चलते रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, लोगों की बातों को सुनकर रुकना नहीं है, लोगों के ताने सुनकर रुकना नहीं है। लोग डीमोटिवेट करेंगे, अड़चने लाएंगे, तकलीफ़ें लाएंगे रास्ते में, उनका मकसद होता है आपको रोकना, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना। जैसा मेरी आरोना चलती है, पिछले 2-2.5 साल से आरोना चल ही रही है, दिन में हार्डली 1 घंटा ही ये रेस्ट लेती है, बाकी टाइम पे पूरा हमेशा इधर से उधर घूमती रहती है। रात में भी पूरे लाइट बंद हो तब भी ये चलती रहती है। कभी कभी पैरट फिश 6-7 घंटे 8 घंटे मूवमेंट ही नहीं करते, एक जगह रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। एक सबक सीखने के लिए काफ़ी अच्छा मिलता है फिशेस को। हर टैंक की एक स्टोरी होती है, तो ये मेरी टैंक की स्टोरी है कि आरोना से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। और कन्विसिलेट्स सबको पता है मैंने फ्लोवान के साथ रखा था, लेकिन वो ब्रीडिंग सक्सेस नहीं हो पाई, अगली बार हम ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, इसकी कमनी देने के लिए मैंने एक छोटा सा पैरेट फिश लाकर रखा है ताकि इसको कमनी दे सके। और ये पैरेट फिश मेरे पास टोटल 4 हैं, किंग कॉन्ग साइज़ हो चुके हैं, काफ़ी बड़े साइज़ हो चुके हैं। अभी मैं बहुत जल्दी इसके अंदर एक पीकॉक बॉस और RTC रेडटेल कैटफिश डालने वाला हूँ। आई नो बहुत लेट हो जाता है भाई, क्या करूँ, मैं एक अकेला हूँ जो सब कुछ देखना पड़ता है, फैमिली भी है और टाइम भी देना पड़ता है, ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है और इसका क्लीनिंग वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, डेली वीडियो अपलोड करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक आदमी सब कुछ नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से बहुत डिले हो रहा है। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि मैं इसके अंदर RTC रेडटेल कैटफिश और पीकॉक बॉस डालूंगा, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये अपडेट कैसा लगा, मैं आपको अपना सम टैंक दिखाता हूँ किस तरह क्लीन करता रहता है। उससे पहले एक बार हम एक नज़र डाल लेते हैं टैंक का। ये जो सैंड वगैरह मैंने इस्तेमाल किया है, रिवर सैंड है, 30 किलो मैंने इस्तेमाल किया था इसके अंदर। और पैरेट फिश देखिए काफ़ी रेड कलर है, एक्चुअली ये येलो लगा डाला था मैं, येलो डाला था टायो हाई रेड और 9.9 फ्लोवान का जो फूड आता है वो रेड फीड करते करते ये भी रेड होती जा रही है। तो फिशेस देखिए और पानी भी कितना क्लीन है। और आरोना और एक बार देख लीजिए, 20+ इंचेस है इनको। इसको मैं पूरा पैलेट्स में रखा हूँ, इसको कभी मैं लाइफ फिश बहुत कम देता हूँ,
मतलब लाइव फिश तो देता नहीं हूँ, लाइव फिश बहुत कम देता हूँ, बाकी पूरा पैलेट्स पे ही ये ज़िंदा है। अभी ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेंटर में क्यों रखे, उसको निकाल दो क्योंकि वो आसानी से ये स्विम कर पाएगी। लेकिन मैंने पर्सनली फील किया, मैंने इसको साइड में रखा हुआ था, ये कभी कभी बोर फील करती है, लेकिन जब ये सेंटर में रखता हूँ ना तो उसको क्या लगता है ये सराउंडिंग घूमती रहती है, जो पाइप्स होते हैं ना पाइप्स को ऐसा ऐसा घूमती चलती है, इसको थोड़ा इंटरटेन लगता है उसके लिए शायद, इसलिए मैंने उसको सेंटर में रख दिया। पहले मैंने साइड में रखा था, जब साइड में रखता तो ये वहाँ जाकर उसके अंदर से घूम के इधर आती, तो मुझे लगा कि इसको अच्छा लग रहा है इसके अंदर से घूमना फिरना, इसलिए मैंने सेंटर में रख दिया ताकि इसको तकलीफ़ ना हो और ये आराम से घूमे फिरे। तो इसका मतलब यह है कि अगर टैंक के अंदर एक ड्रिफ्ट फ्रूट या सेंटर में कुछ रखते हैं तो फिशेस को भी अच्छा लगता है उसके सराउंडिंग घूमना फिरना। ओपन टैंक रहेगा तो कभी कभी इनको बोरिंग सा लग जाता है। अभी एडल्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में इसका मार्क है, जो डेढ़ दो साल होने के बाद ये ऐसा लगता है कि जैसा कुछ मार्क डाल दिया टैंक सेंटर के अंदर, वो मार्क है देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी के ऊपर। तो अभी मैं आपको अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पानी, ये है हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम। हाई माउंट एंट्री का मैंने पूरा मीडिया इस्तेमाल किया, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और यहाँ से क्लीन होते हुए यहाँ पर स्पॉन्ज भी मैंने डाला हुआ है, जो अंडन फूड है या डस्ट वगैरह है पार्टिकल वर्स में फंस जाते हैं। और यहाँ पर क्लीन होते होते ये जो बायो मीडिया है उसमें जाता है, वहाँ पर बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनते हैं, पानी क्लीन हो, चारकोल भी है उसके अंदर जिसे पानी शाइनिंग आता है। वहाँ पर लास्ट में स्पॉन्ज बैग है। स्पॉन्ज बैग का फ़ायदा क्या है, पानी में जो भी अगर डस्ट पार्टिकल है तो ये इसको सक कर लेता है, सक करके फिर पानी ऊपर पुश करता है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से पानी क्लीन हो रहा है मेरे टैंक का। और काफ़ी सारे फिशेज जितने भी यहाँ पर पैरेट फिश है या अरोवाना है पूरे हेल्थी हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पीकॉक बॉस और आरटीसी कैटफिश बहुत जल्दी डालेंगे। और जो भी इसके बारे में आप कमेंट करना चाहते हो या कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो ज़रूर कहना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।